मसूद पेजिशाकियान ईरान के नए राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को करारी शिकस्त दी। रन ऑफ में पेजिशाकियान को 1,63,84,403 वोट मिले, जबकि जलीली को 1,35,38,189 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। पेजिशाकियान और जलीली के बीच शुक्रवार को सीधा मुकाबला था। इस मुकाबले में पेजिशाकियान ने शानदार जीत हासिल की। इससे पहले वहां 28 जून को पहले राउंड की वोटिंग हुई थी, लेकिन उस राउंड में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, या यूं कहें कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ईरान में जीत के लिए 50% वोट चाहिए होते हैं। पिछले हफ्ते हुए पहले दौर के मतदान में पेजिशाकियान को करीब 42%, जबकि जलीली को 39% वोट मिले थे। इसके बाद शुक्रवार को टॉप के दो उम्मीदवारों के बीच फिर फाइनल मुकाबला कराया गया। फाइनल और निर्णायक मुकाबले में कट्टरपंथी जलीली का सिक्का नहीं चला और पेजिशाकियान ने बाजी मार ली। पेजिशाकियान की जीत के बाद उनके समर्थकों ने तेहरान और अन्य शहरों में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। ईरान में पेजिशाकियान की पहचान सुधारवादी नेता के तौर पर है, वहीं कट्टरपंथी सईद जलीली को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का करीबी माना जाता है। ईरान में ये चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब इसराइल हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर पश्चिम एशिया में व्यापक स्तर पर तनाव है और ईरान पिछले कई सालों से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 80 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन बाद में सिर्फ 6 नामों पर मोहर लगी। हालांकि वोटिंग से ठीक पहले दो उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद राष्ट्रपति पद की रेस कुल 4 उम्मीदवार थे। पहले राउंड में मसूद पेजिशाकियान और सईद जलीली के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जबकि मोहम्मद बाकर कलीबाफ और मुस्तफा पौर मोहम्मदी पहले ही राउंड में रेस से बाहर हो गए। ये दोनों तीसरे व चौथे स्थान पर रहे। मसूद पेजिशाकियान पेशे से एक कार्डियक सर्जन हैं। उनका जन्म ईरान के महाबाद में 1954 में हुआ था। शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने त्राबीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से मेडिकल की पढ़ाई की। 1993 में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के कार्डियक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया। हार्ट सर्जन बनने के बाद वो 1994 में त्राबीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष बन गए। 5 साल तक वो इस पोस्ट पर बने रहे। 1997 में वो पहली बार राजनीति में आए। राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के कार्यकाल में वो डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर रहे। 2001 से 2005 तक पेजिशाकियान ईरान के स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2016 से 2020 तक डिप्टी स्पीकर रहे। 5 बार के सांसद रहे।